हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्सियत के बारे में जो न सिर्फ 33 साल से केवल चाय पीकर जिंदा है, बल्कि वो पूर्णतया स्वस्थ भी है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा शरीर सही से काम करता रहे और हम लंबे समय तक जीवित रहें, इसके लिए हमें अलग अलग पोषक तत्वों जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि की ज़रूरत होती है। इसके लिए हम एक ही आहार ना लेकर अलग अलग आहारों का सेवन करते हैं और यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ये सारे नियम एक महिला के सामने फेल हो जाते हैं क्योंकि उसने बीते 33 सालों से अन्न और जल को हाथ नहीं लगाया है और केवल चाय पीकर जिंदा है। इस महिला को लोग चाय वाली चाची के नाम से जानने लगे हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन है ये महिला। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बरदिया गांव की रहने वाली पल्ली देवी ने 33 साल से चाय के अलावा किसी दूसरी चीज़ का सेवन नहीं किया है। 11 साल की उम्र से उन्होंने बाकी दूसरी चीज़ों को खाना छोड़ दिया था और तब से केवल चाय का सेवन कर रही हैं। इस महिला ने बीते 33 साल से अन्न और जल को हाथ नहीं लगाया और ना ही कभी इन चीज़ों को खाने की इच्छा अपने अंदर रखती है। उसे केवल और केवल चाय चाहिए जिसकी सहायता से वो जिंदा है। अचानक ही छोड़ा खाना, ऐसा नहीं है कि पल्ली देवी ने प्लानिंग के साथ धीरे धीरे चीज़ें छोड़ी, बल्कि उन्होंने अचानक ही ऐसा सब कुछ किया। पल्ली के पिता रतिराम बताते हैं कि जब पल्ली कक्षा 6 में थी तो कोरिया जिले में स्थित पटना स्कूल की ओर से टूर्नामेंट खेली गई थी और इसके बाद जब वो घर आई तो अचानक से सब कुछ छोड़ दिया और केवल चाय का सेवन किया। वहाँ से लौटने के बाद जाने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सब कुछ ही छोड़ दिया और केवल चाय के साथ अपना जीवन यापन करने लगी। हालांकि शुरुआती एक दो महीने तक पल्ली ने चाय के साथ ब्रेड और बिस्किट का सेवन किया, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से चाय पर निर्भर होते हुए उसका सेवन ही करने लगी और केवल चाय ही पीने लगी। डॉक्टर्स भी कहते हैं इसे चमत्कार। पल्ली के बारे में बात करते हुए कई बड़े डॉक्टर्स हैरान रह जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। इंसान को जीने के लिए पोषक तत्व केवल चाय से नहीं मिल सकते क्योंकि यह नुकसान भी बहुत अधिक करती है। लेकिन पल्ली की जीवन शैली को देखकर लगता है कि वो किसी चमत्कार के सहारे ही जी रही हैं। ऐसा सामान्य इंसान के लिए संभव नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ये ईश्वर की लीला है और इस महिला के ऊपर कोई ना कोई शक्ति जरूर काम कर रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस महिला का होमोग्लोबिन भी हमेशा 8 से 9 के बीच ही रहा, जो कि सामान्य इंसानों की तरह होता है। इसके अलावा शरीर में कोई भी बाकी समस्या नहीं आई। बीते 33 सालों में वो 2 बार बीमार हुई और इलाज के दौरान वो अस्पताल में भर्ती हुई, लेकिन वहाँ भी पल्ली ने केवल और केवल चाय का ही सेवन किया। इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं खाया। डॉक्टर्स ने उन्हें खूब समझाया लेकिन उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी और केवल चाय के सहारे ही ठीक हो गई। भक्ति से कटता है समय। पल्ली देवी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त हैं। उन्होंने हमेशा ही शिव की पूजा की है। पल्ली की ननद बताती हैं कि सुबह के समय वो उठकर स्नान करती हैं और इसके बाद वो भगवान की पूजा करती हैं। जब कभी हम घर में नहीं होते हैं तो घर के बाकी काम भी करती हैं। उन्हें अदरक और नींबू वाली चाय बहुत अधिक पसंद है। पल्ली को जीवित देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि ऐसे जीवित रहना आसान नहीं है। शरीर को हर एक पोषक तत्व चाहिए जो कि अलग अलग खाद्य पदार्थों से मिलते हैं, लेकिन केवल चाय पीकर इतने सालों से जिंदा और स्वस्थ रहना अपने आप में एक चमत्कार है। दोस्तों, पल्ली देवी के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।